अच्छा, मैं डॉक्टर रूपाली रिचारिया, पीजीटी इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भौरी से हूँ। आज मैं आपको क्लास 11th के इकोनॉमिक्स की स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के जो चैप्टर है वो परिक्षेपण का माप या अपकिरण के माप या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बारे में आपसे चर्चा करूँगी। परिक्षेपण के माप या अपकिरण के माप या इन्हें मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन भी कहते हैं। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन केंद्रीय मूल्यों से आंकड़ों के फैलाव को परिक्षेपण की माप कहा जाता है। यह बताता है कि वितरण का मान उसके औसत मान से कितना भिन्न है। तो परिक्षेपण की जो माप है या अपकिरण की माप है या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हमें ये बताता है कि औसत से जो आंकड़े हैं उनका फैलाव कितना है, क्या वे जो औसत का केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, वो असली प्रतिनिधित्व उसका रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, या असली प्रतिनिधित्व वो कर रहा है नहीं, यह नापने के लिए हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नापते हैं। अब अपकिरण के कुछ उद्देश्य होते हैं कि हम केंद्र प्रवृत्ति के माप क्यों मापते हैं। अपकिरण की माप के उद्देश्य श्रेणी के माध्य से विभिन्न पद मूल्यों की औसत दूरी ज्ञात करना, इसका पहला उद्देश्य है कि श्रेणी के माध्य से, चाहे वो माध्यिका हो, समानांतर माध्य हो या बहुलक हो, उससे विभिन्न पद मूल्यों की औसत दूरी ज्ञात करना, कि जो आपकी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है, चाहे वो माध्यिका हो, समांतर माध्य हो या बहुलक हो, तो वो सही जो आंकड़े हैं उसकी सही डाटा का प्रतिनिधित्व कर रहा है या नहीं, वो औसत से कितना दूरी दूर है या कितना भिन्न है। दूसरा, श्रेणी की बनावट के बारे में सूचना प्राप्त करना, कि श्रेणी की बनावट के बारे में सूचना प्राप्त करना कि उसमें आंकड़ों का फैलाव किस प्रकार से है। पद मूल्यों का सीमा विस्तार ज्ञात करना, पद मूल्यों का सीमा विस्तार कि आंकड़ों का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, यह ज्ञात करना भी एक अपकिरण की माप का उद्देश्य है। तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह जानना कि किसमें विचरण की मात्रा अधिक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हम तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि विचरण की मात्रा जो है किस सीरीज में अधिक है। यह देखना कि माध्य द्वारा श्रेणी का किस सीमा तक प्रतिनिधित्व होता है, और यह हमें देखना होता है कि जो माध्य है उस पर्टिकुलर सीरीज का जो माध्य है, समानांतर माध्य, मध्यिका या बहुलक, वो उस श्रेणी का किस सीमा तक प्रतिनिधित्व कर रहा है, कितना सही प्रतिनिधित्व कर रहा है या नहीं, यह देखने के लिए हम अपकिरण की माप निकालते हैं। अब परिक्षेपण या अपकिरण मापन की कुछ विधियां होती हैं, तीन प्रकार से इसको निकालते हैं। जैसे पहला जो है वो मूल्यों के विस्तार या बिखराव के आधार पर परिक्षेपण की माप, तो मूल्यों के विस्तार, बिखराव या फैलाव के आधार पर यदि हम परिक्षेपण की माप निकालते हैं तो इसमें निम्नलिखित तीन विधियां प्रचलित है आती हैं। पहला है परास विस्तार, या जिसे रेंज भी कहते हैं। दूसरी जो विधि है वह है अंतर चतुर्थक विस्तार, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तीसरी जो इसकी विधि है वो चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन। दूसरी जो विधि, उसमें औसत के आधार पर परिक्षेपण की माप हम निकालते हैं, तो औसत के आधार पर जब हम परिक्षेपण की माप निकालते हैं तो उसके अंतर्गत दो विधियां आती हैं। पहली माध्य विचलन, या जिसे औसत विचलन भी कहते हैं इंग्लिश में, जिसे मीन डेविएशन कहते हैं, और दूसरी है मानक विचलन, जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं और प्रमाप विचलन भी कहते हैं। तो ये जो दोनों माप है, माध्य विचलन और मानक विचलन, ये औसत के आधार पर जब हम परिक्षेपण की माप निकालते हैं तब इन विधियों का हम प्रयोग करते हैं। तीसरी जो है वो रेखा चित्र के आधार पर जब हम परिक्षेपण, अपकिरण या डिस्पर्शन मेजर करते हैं, मापते हैं, तो रेखा चित्र के आधार पर मापते हैं तो उसे लॉरेंज कर्व या लॉरेंज वक्र कहते हैं।
अब परिक्षेपण के जो माप होते हैं, दो प्रकार के माप होते हैं, एक होता है निरपेक्ष माप और दूसरा होता है सापेक्ष माप। निरपेक्ष माप के वे मान जिन्हें श्रेणी की मूल इकाइयों के रूप में व्यक्त किया जाता है निरपेक्ष मान कहलाते हैं। निरपेक्ष मापों को साकार इकाइयों में अभिव्यक्त किया जाता है, अर्थात ऐसी इकाइयों से जिनमें आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे रुपये, मीटर आदि। ऐसे माप दो वितरणों के विचरणों की तुलना करने में उपयुक्त नहीं होते हैं, जिन्हें मापने की विभिन्न इकाइयों में अभिव्यक्त किया जाता है। तो हम जब साधारणतः किसी चीज को मापते हैं तो वो निरपेक्ष माप होते हैं, जैसे हम उसमें इकाइयों में इसे व्यक्त करते हैं, जैसे रुपये, मीटर आदि, लेकिन ये तुलना करने में व्यक्त नहीं होते हैं। और जब हमें तुलना करनी होती है, जब दो किसी प्रकार की चीजों की, जैसे किसी भी आर्थिक परिस्थिति के अनुसार हम यदि मेजर करें, गरीबी की बात करें या बेरोजगारी की बात करें, तो जब हम तुलना जब हमें तुलना करनी होती है तब हम जो परिक्षेपण के माप निकालते हैं वे माप जो होते हैं वो सापेक्ष माप कहलाते हैं। तो सापेक्ष माप परिक्षेपण के वे मान जिन्हें औसत के प्रतिशत या अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है या मापा जाता है, सापेक्ष माप कहलाते हैं। सापेक्ष माप को परिक्षेपण के गुणांक भी कहा जाता है, क्योंकि गुणांक मापने की इकाई से स्वतंत्र होता है। दो या दो से अधिक श्रेणियों की तुलना भी सापेक्ष माप की सहायता से की जाती है, जबकि श्रेणियों की इकाइयां भी विभिन्न होती हैं। तो जब हमने दो या दो से अधिक जो श्रेणियों की तुलना यदि हमें की करनी हो तो हमें सापेक्ष माप का सहारा लेना होता है, हमें सापेक्ष माप के आधार पर ही हम उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, और इन्हें गुणांक भी कहा जाता है सापेक्ष माप को। अब ये कुछ निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप के हमने यहाँ पे फार्मूलाज बताए हुए हैं। अब निरपेक्ष माप में जैसे परास निकालना है आपको, तो आपको जो भी सीरीज दे दी है, कोई श्रेणी दे दी है, तो उसमें परास का जो फार्मूला होता है एल माइनस एस, एल जो होता है वो अधिकतम मूल्य होता है या जिसे लार्जेस्ट वैल्यू भी कहते हैं, और जो एस होता है वो न्यूनतम मूल्य होता है सीरीज का या श्रृंखला का, जिसे स्मॉलेस्ट वैल्यू भी कहते हैं। तो अधिकतम मूल्य में से जब हम न्यूनतम मूल्य को, जैसा कि फार्मूला में दिया है, जब इसको घटा देते हैं तो जो निकलता है वो आंकड़ों का फैलाव होता है या विस्तार होता है या परास होता है, जिसे रेंज कहते हैं। तो एक निरपेक्ष माप है। दूसरा जो है निरपेक्ष माप वो है चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन इट मींस क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन जो है उसका फार्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, प्रथम चतुर्थक, तृतीय चतुर्थक माइनस प्रथम चतुर्थक के अंतर को जब हम दो से भाग दे देते हैं तो चतुर्थक विचलन निकलता है, और यह भी एक निरपेक्ष माप है। तीसरा जो निरपेक्ष माप है वो है माध्य विचलन, दैट इज मीन डेविएशन। तो यहाँ पे मीन डेविएशन चूंकि माध्यिका से भी निकाला जाता है, मीन डेविएशन मीन से भी, माध्य से भी निकाला जाता है, तो फार्मूला उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। यहाँ पे हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन यानी एक्स बार लिखा है इज इक्वल्स टू समेशन मॉड डी एक्स अपॉन एन। चौथा जो निरपेक्ष माप है वो है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, या इसे प्रमाप विचलन भी कहते हैं। तो प्रमाप विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो ये निरपेक्ष माप के फार्मूले हैं, और इसकी सापेक्ष माप भी निकलती है। जैसे परास की निरपेक्ष माप के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं दैट इज एल माइनस एस, जबकि सापेक्ष माप यदि हमको तुलना करना है दो श्रेणियों के, परास की या फैलाव की, कि दोनों में कितना, दोनों के फैलाव में कितना अंतर है, तुलनात्मक अंतर है, तो उसके लिए हम फिर परास गुणांक निकालते हैं। तो परास गुणांक इज इक्वल्स टू होता है एल माइनस एस डिवाइडेड बाई एल प्लस एस। एल माइनस एस मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, श्रेणी के जो मूल्य दिए हुए, पद मूल्य दिए हैं उसमें अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य भागित अधिकतम मूल्य प्लस न्यूनतम मूल्य। तो ये गुणांक निकल जाता है, और गुणांक से फिर हम उसकी तुलना करते हैं श्रेणियों की। दूसरा है चतुर्थक विचलन गुणांक।
कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो चतुर्थक विचलन गुणांक निकालने के लिए जो फार्मूला है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। थर्ड क्वार्टाइल यानी तृतीय चतुर्थक माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल यानी प्रथम चतुर्थक भागित तृतीय चतुर्थक धन प्रथम चतुर्थक, इसको जब हम जोड़ लेते हैं और इस भाग दे देते हैं तो ये चतुर्थक विचलन गुणांक निकल जाता है जो कि तुलना करने योग्य हो जाता है। तीसरा माध्य विचलन है, माध्य विचलन गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन दैट इज एमटी एक्स बार डिवाइडेड बाय एक्स बार, यानी समांतर माध्य से लिया गया माध्य विचलन भागित समांतर माध्य। चौथा जो है वो मानक विचलन गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा मानक विचलन आएगा डिवाइडेड बाई समांतर माध्य, उससे जो समांतर माध्य निकला है तो मानक विचलन को समांतर माध्य से जब हम भाग देंगे तो उसका गुणांक निकल जाएगा। पांचवा विचरण गुणांक, विचरण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या विचरण गुणांक इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन भागित समांतर माध्य इंटू 100। तो मानक विचलन गुणांक और विचरण गुणांक में यही डिफरेंस है कि जब उसमें मानक विचलन गुणांक में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है या गुणा कर दिया जाता है तो वो विचरण गुणांक बन जाता है। अब मूल्यों के आधार पर परिक्षेपण के माप, तो पहला जो परिक्षेपण का माप है वो है परास या विस्तार होता है जिसे इंग्लिश में रेंज कहते हैं, तो उसका फार्मूला रेंज इज इक्वल्स टू अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान या अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य, आर इज इक्वल्स टू एल माइनस एस, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल्स टू एल माइनस एस डिवाइडेड बाई एल प्लस एस। परास का अधिक मान अधिक परिक्षेपण को तथा कम मान निम्न परिक्षेपण को व्यक्त करता है, तो जितना अधिक मान आएगा परास का यानी आंकड़ों में उतना ही फैलाव ज्यादा है, और जितना कम से कम मान आएगा परास का तो आंकड़ों में उतना ही कम फैलाव होता है। अब परास के कुछ गुण दोष होते हैं विस्तार के जो आपको एग्जाम में भी बेटा आते हैं, तो यह पहला इसका गुण है यह अपकिरण की सबसे सरल माप है, यह उन सीमाओं को स्पष्ट कर देता है जिसके मध्य ही समंक माला के समस्त मूल्य फैले रहते हैं, तो सबसे सरल है, निकालने के लिए इजी है, और यह उस मध्य मूल्य को उसको प्रेजेंट करता है जिसमें समस्त मूल्य फैले रहते हैं। तीसरा गुण नियंत्रण मूल्यों के उच्चावचन तथा भौगोलिक अध्ययनों में यह बहुत उपयोगी होता है। इसके साथ साथ परास्त के कुछ दोष भी होते हैं, नंबर वन इससे समंक माला के केवल उच्चतम और न्यूनतम मूल्य पर ही ध्यान दिया जाता है तथा अन्य मूल्यों की उपेक्षा की जाती है, क्योंकि जैसा फार्मूला में दिया है एक तो लार्जेस्ट वैल्यू हम लोग ने ली है, दूसरा स्मॉलेस्ट वैल्यू ली हुई है, इसका मतलब हमने दो ही वैल्यूज ली हुई है तो बाकी मूल्यों की इसमें उपेक्षा होती है, तो ये इसका एक दोष है। दूसरा यह अपकिरण या परिक्षेपण की संतोषजनक माप नहीं है। तीसरा इसके द्वारा श्रेणी की बनावट के बारे में जानकारी नहीं होती, क्योंकि हम तो अधिकतम और न्यूनतम मूल्य ले लेते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि श्रेणी की बनावट किस प्रकार की है। चौथा परास का या विस्तार का दोष यह है कि यह अपकिरण की एक अस्थिर माप है। चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन एक पोजिशनल माध्य है, हमें पोजीशन बताता है कि डाटा को हम चार भाग में हम डिवाइड कर देंगे तो वो कहाँ पर स्टैंड करता है, इसे अंतर चतुर्थक परास भी कहा जाता है। इसका जो फार्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको जब कोई भी सीरीज दी रहती है तो आपको पता होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि दो प्रकार के समूहित आंकड़े और असमूहित आंकड़े रहते हैं, असमूहित आंकड़ों में व्यक्तिगत श्रृंखला होती है और समूहित आंकड़ों में आपका विविध श्रृंखला या विखंडित श्रेणी भी जिसे कहते हैं और सदस्य श्रृंखला होती है, तो इन सभी में चतुर्थक विचलन निकालते हैं। जैसे अब ये पहला उदाहरण हमने लिया है असमूहित आंकड़ों के लिए परास और चतुर्थक विचलन का परिकलन, निम्नलिखित प्रेक्षणों का परास और चतुर्थक विचलन परिकलित कीजिए।
सवाल दिया हुआ है, डाटा दिए हुए हैं 20, 25, 29, 30, 39, 41, 48, 51, 60 और 70। तो परास जैसे हम निकालते हैं, परास भी निकालने का है, तो परास हमने निकाला है कि परास आर इज इक्वल टू एल माइनस एस। तो एल यानी अधिकतम मूल्य जो है वो इस सीरीज में श्रृंखला में आपको 70 दिख रहा है और न्यूनतम मूल्य जो है वो 20 दिख रहा है। तो 70 माइनस 20 जब हमने किया तो इसका परास 50 है, यानी इस श्रेणी में आंकड़ों का जो फैलाव है वो 50 अंकों का है। अब चतुर्थक विचलन के लिए हमें उच्च Q3 तृतीय चतुर्थक एवं Q1 यानी प्रथम चतुर्थक निकालने होंगे, इन मानों की हमें आवश्यकता होगी इनको परिकलन करने। तो Q1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है तो ये बिल्कुल आपका मध्यिका के अनुसार चलता है। तो हम मध्यिका में जब असमूहित आंकड़ों में व्यक्तिगत श्रृंखला में जब हम मध्यिका निकालते हैं तो हम n प्लस 1 बाई 2वें पद का मान हम निकालते हैं। तो इसमें भी एज इट इज होगा, Q1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 बाई 4th आइटम, द वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई 4th आइटम, n धन 1/4 पद का मान। तो n धन 1/4 हमने किया, हमारी यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, टोटल हमारे जो आंकड़े हैं 10 आंकड़े हैं, ठीक है। तो हमने n धन 1/4 किया तो जो वैल्यू आई तो n इज इक्वल टू 11 है। Q1 तीसरे मध का आकार है क्योंकि मानों को पहले ही आरोही क्रम में हमने व्यवस्थित कर लिया किया हुआ है। यह देखा जा सकता है कि Q1 तीसरा मान 29, यदि ये मान क्रम में नहीं हो तो हमें सबसे पहले इनको क्रम में जमाने पड़ेंगे, क्योंकि मध्यिका का पहला रूल यह है कि हमें इसे क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक इसी तरह से हम Q3 निकाल लेंगे, Q3 इज इक्वल टू 3n प्लस 1 बाई 4th आइटम, द वैल्यू ऑफ 3n प्लस 1 बाई 4th आइटम या 3 × n धन 1/4 पद का मान। तो जो मान है अर्थात 9वें पद का मान 51 है, अर्थात Q3 इज इक्वल टू 51। अब हमें Q1 भी मिल गया है और Q3 भी मिल गया, Q1 इज 29 एंड Q3 इज 51। तो जब हम इसको चतुर्थक विचलन के फार्मूले में लिख देंगे, चतुर्थक विचलन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो 51 माइनस 29 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 11। क्या आपने ध्यान दिया है कि QD क्वार्टाइल डेविएशन मध्यिका से चतुर्थकों का औसत अंतर है। अब उदाहरण 2 है, किसी कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्तांकों के वितरण में परास एवं चतुर्थक विचलन परिकलित कीजिए। तो ये सतत श्रृंखला का उदाहरण है, कंटिन्यूअस सीरीज का उदाहरण है, इसमें जो वर्ग अंतराल कंटिन्यूअसली दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारा सवाल है, वर्ग अंतराल बराबर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 90। वही छात्रों की संख्या दी हुई है, एफ फ्रिक्वेंसी है जिसे बारंबारता भी हम कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो 0 से 10 के बीच में 5 छात्र हैं, 10 से 20 को रिप्रेजेंट करने वाले 8 छात्र हैं, 20 से 40 को रिप्रेजेंट करने वाले 16 छात्र हैं, 40 से 60 को रिप्रेजेंट करने वाले 7 छात्र हैं और 60 से 90 को रिप्रेजेंट करने वाले 4 छात्र हैं। और कुल मिला के जब हम आवृत्ति या छात्रों की संख्या का टोटल करते हैं तो देट इज 40 होता है। अब परास जो हमको निकालना है, तो परास उच्चतम वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्नतम वर्ग की निम्न सीमा के बीच का अंतर है। तो हमने देखा कि यहाँ पे परास जो है अधिकतम मूल्य यहाँ पे 90 है, हमने वर्ग अंतराल में देखा अधिकतम मूल्य 90 है और न्यूनतम मूल्य 0 है, तो 90 - 0 = 90 यहाँ पे परास है। अब चतुर्थक विचलन के लिए सबसे पहले, क्योंकि मध्यिका में भी हम जब सतत श्रृंखला होती है तो उस समय मध्यिका निकालने के लिए पहले हम आवृत्ति को संचयी आवृत्ति में बदलते हैं। तो यहाँ पर भी हमको छात्रों की संख्या की जो आवृत्ति दी हुई है उसको हमको सबसे पहले संचयी आवृत्ति में बदलना होगा। तो हम इनको ऐड करते जाएंगे, 5 एज इट इज लिख देंगे, 5 में जब 8 ऐड करेंगे तो दैट इज 13, 13 प्लस 16 ऐड करेंगे तो दैट इज 29, 29 प्लस 7 इज इक्वल टू 36 एंड 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 40।
तो ये हो जाएगा, तो एक सतत श्रृंखला में क्यू वन का मान एन, अब उसके बाद हम इसको हम क्यू वन निकालना है, हमें क्यू थ्री निकालना है, क्योंकि हमें फार्मूले में क्यू थ्री माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई टू करना है। तो हमने सबसे पहले हम क्यू वन निकालेंगे, तो क्यू वन इज इक्वल टू एन, द वैल्यू ऑफ एन बाई फोर्थ आइटम, एन बटे चौथे पद का मान हम निकालेंगे, तो एन हमारा 40 आया, 40 डिवाइडेड बाई 4, तो देट इज 10। अब हम 10 देखेंगे कि इसमें कहाँ वैल्यू हमारी लाए कर रही है सीएफ में, हमारी संचयी आवृत्ति में। तो दसवें मत का, इसमें हमने देखा कि हम 10 आ रहा है, तो दसवें मत का आकार जो कि वर्ग 10 से 20 के बीच में निहित है, अतः क्यू वन वर्ग 10 से 20 में निहित है। क्यू वन का सही मान परिकलित करने हेतु तो हमें निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करना होगा। क्यू वन इज इक्वल टू एल वन प्लस एन बाई फोर माइनस सी ए अपॉन एफ इंटू आई। यहाँ पे एल क्या है, एल जो जिस वर्ग में क्यू वन निहित है उसकी लोएस्ट वैल्यू, यानी 10 हो जाएगा। एन बाई फोर हम पहले निकाल चुके हैं, और इसमें जो सी एफ चतुर्थक वर्ग के पूर्ववर्ती वर्ग के लिए सी एफ का मान, और एफ यानी जहां जिस सीमा में वो आ रहा है उसके सामने की आवृत्ति, और आई जो है वो यहाँ पे जिस वर्ग में आ रहा है उसके वर्ग की अधिकतम सीमा और निम्नतम सीमा का अंतर होता है। तो आई बराबर 10 हो जाएगा, एल टू माइनस एल वन हम करेंगे तो एफ इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, चतुर्थक वर्ग की बारंबारता। तो इस प्रकार से क्यू वन इज इक्वल टू 10 प्लस 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 16.25। ठीक इसी तरह से क्यू थ्री का भी हम मान निकाल लेंगे, तो 3n डिवाइडेड बाई 4 वे मत का आकार अर्थात 30वें मत का मान, जो वर्ष 40 से 60 में निहित है। 30वां मत जो होता है तो वो 40 से 60 में निहित है। संचयी बारंबारता में देखेंगे 30 कहाँ पर आ रहा है, 36 वाली सीरीज में आ रहा है, उसके सामने जस्ट देखेंगे तो वर्ग अंतराल 40 से 60 है, तो ये हमें चतुर्थक वर्ग की सीमा मिल गई है। तो चतुर्थक वर्ग की सीमा में हम हमारा जो L1 होगा दैट इज 40, यहाँ पर L बराबर 10, संगत चतुर्थक वर्ग की निम्न सीमा, CF CF इज इक्वल्स टू 29 एंड F इज इक्वल्स टू 7, और हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। Q3 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 30 माइनस 29 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 20, तो Q3 हमारा 42.87 हो जाएगा। फिर हम क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला लिखेंगे, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो Q3 हमारा 42.87 आया, माइनस Q1 हमारा 16.25 था, उसको जब हमने 2 से डिवाइड किया तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल्स टू 13.31। ये तो चतुर्थक विचलन था, अभी हम माध्य विचलन देखते हैं, मीन डेविएशन जिसे कि कहते हैं। तो मीन डेविएशन क्या होता है, माध्य विचलन का अभिप्राय विचलनों के समांतर माध्य से होता है। जब किसी श्रेणी या समूह के किसी औसत यानी मध्यिका, माध्य या भूयिष्ठिक से उस श्रेणी के व्यक्तिगत पदों के विचलन लिए जाते हैं और विचलनों का समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है तो उसे माध्य विचलन कहते हैं। माध्य विचलन के गुण, माध्य विचलन एक उत्तम विधि है क्योंकि यह किसी भी माध्य द्वारा निकाला जा सकता है। माध्य विचलन का दूसरा गुण है, यह विचलन ज्ञात करने की एक सरल विधि है। तीसरा, माध्य विचलन श्रेणी के सभी पदों पर आधारित होने के कारण अन्य मापों से श्रेष्ठ होता है, मतलब परा से चतुर्थक विचलन, इससे ये माध्य विचलन श्रेष्ठ होता है क्योंकि इसके सभी जो मान रहते हैं श्रेणी के समस्त मापों पर आधारित रहते हैं। इस माध्य द्वारा श्रेणी की बनावट के बारे में भी मालूम किया जा सकता है। यह प्रमाप विचलन की तुलना में चरम मूल्यों से कम प्रभावित होता है। यह वितरण के महत्व को स्पष्ट करने वाली माप है। इसका प्रयोग आर्थिक, व्यापारिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में होता है।
माध्य विचलन के दोष। चूंकि यह विभिन्न माध्यों से ज्ञात किया जाता है अतः यह एक अनिश्चित माप है, क्योंकि मध्य का समांतर माध्य आदि से ज्ञात किया जाता है तो एक अनिश्चित माप है। दूसरा माध्य विचलन का दोष यह है कि इसमें धन और ऋण चिन्हों को छोड़ दिया जाता है, इसलिए यह माप गणितीय दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि इसमें हम मॉड लगाते हैं तो इट मीन्स वी आर इग्नोरिंग द साइंस ऑफ प्लस एंड माइनस। हम प्लस और माइनस के जो साइन है चिन्ह है उन्हें इग्नोर कर देते हैं, इसलिए यह माप जो है वो गणितीय दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। तीसरा माध्य विचलन का दोष है मीन डेविएशन का, कि इसका बीजीय विवेचन संभव नहीं है। चौथा, विभिन्न माध्यों से ज्ञात माध्य विचलनों में समानता नहीं होती है। तो माध्य विचलन जब हम निकालते हैं दैट इज मीन डेविएशन, असमूहित आंकड़ों के लिए समांतर माध्य से माध्य विचलन का परिकलन। तो सबसे पहले असमूहित आंकड़ों से हम निकालेंगे, इसमें प्रत्यक्ष विधि है। इस विधि के निम्नलिखित चरण हैं, सबसे पहले मानों का समांतर माध्य परिकलित किया जाता है, दूसरा प्रत्येक मान और समांतर माध्य के बीच के अंतर का परिकलन किया जाता है, ये सभी अंतर धनात्मक माने जाते हैं, इन्हें मॉड डी द्वारा दर्शाया जाता है, तीसरा इन अंतरों का समांतर माध्य माध्य विचलन है, अर्थात एम डी इज इक्वल टू समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाई एन। तो सबसे पहले आप मानों का समांतर माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य निकाल के जो समांतर माध्य आएगा उससे आप डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेते समय अंतर लेते समय आपको प्लस और माइनस चिन्ह छोड़ देना है, इसलिए इनको मॉड डी से आपको रिप्रेजेंट करना है, और उसके बाद आपको मीन डेविएशन का फार्मूला लगा के मीन डेविएशन निकालना है। अब ये जो सवाल दिया हुआ है, एक उदाहरण हमने लिया है, निम्नलिखित मानों का माध्य विचलन परिकलित कीजिए। जो कुछ मान है 2, 4, 7, 8 और 9, इसका माध्य विचलन निकालना है। तो हमने इस प्रकार से इसको टेबल में लिख लिया, x इज इक्वल टू 2, 4, 7, 8 एंड 9। सबसे पहले हमको इसका क्या निकालना है, समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमें उसका जो फार्मूला है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n। तो सबसे पहले हम जो x वैल्यूज है उसका समेशन कर लेंगे, दैट इज 30 डिवाइडेड बाई n, n यानी कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, तो हमने देखे यहाँ 5 नंबर ऑफ आइटम्स हैं, इज इक्वल टू 6। तो 6 हमारा यहाँ पे समांतर माध्य आया 6। अब हमें जो समांतर माध्य 6 आया उससे सारी वैल्यूज का डिफरेंस लेना है, तो हम एक एक करके डिफरेंस लेंगे, और चूंकि हमें डिफरेंस लेते समय प्लस और माइनस साइन को इग्नोर करना है, इसलिए डिफरेंस को हमने मॉड डी लिखा है। तो 2 - 6 इज इक्वल्स टू 4, 4 - 6 इज इक्वल्स टू 2, 7 - 6 इज इक्वल्स टू 1, 8 - 6 इज इक्वल्स टू 2, 9 - 6 इज इक्वल्स टू 3। फिर हमें जो मॉड डी हमने लिया है उसका समेशन कर लेंगे, तो समेशन ऑफ मॉड डी इज इक्वल्स टू 12। अब हम यहाँ पे मीन डेविएशन के फार्मूला लिख लेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल्स टू समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाई 5। तो समेशन मॉड डी का हमारा जो वैल्यू आई दैट इज 12, और डिवाइडेड बाई एन, एन हमारा 5 है जो नंबर ऑफ डाटा, इज इक्वल्स टू 2.4। तो इसका माध्य विचलन 2.4 है।